So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. So मुफ्ती तारिक मसूद जी का एक और बयान लेके आ गए हैं और आज का टॉपिक है, और हमें बहुत दिनों से ऐसे ही बयान रिकमेंड हो रहे हैं, ज्यादा बोलने वाले ये बयान जरूर सुने। हाँ, सही बात है ना, चाहे वो जुबान की बात हो, मतलब ऐसी बातें ही रिकमेंड हो रही है। सो ये हम रिएक्शन कर रहे हैं। सो ज्यादा बोलने वाले ये बयान जरूर सुने, जो ज्यादा बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, जैसा भी होएगा बयान में पता लग जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, तारिक मसूद जी के ही यूट्यूब चैनल पे है। सो करते हैं स्टार्ट, है ना। वेरी गुड। मुफ्ती तारिक मसूद के बयान के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मेरे को ना ये वाला म्यूजिक बहुत प्यारा लगता है यार, बहुत ज्यादा वीडियोस में ये म्यूजिक यूज होता है ना, जो भी ऐसे बयान वाली वीडियो है तो सभी यूज करते हैं। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, अल्लाह फरमाते हैं तुम आराम के लिए लेटते हो, हम तुम पर नींद को मुसल्लत करके तुम्हारे दिमाग का कनेक्शन जो तार है ना, वो दुनिया से लीड ही काट देते हैं। अल्लाह लीड क्या हो गई, कैसा खराटे लेके पड़ा हुआ होता है, कई कई घंटे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, उसके बाद जब सुबह उठता है कैसा दिमाग फ्रेश। सुबह के वक्त में ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई। सुबह इतना सुकून होता है इंसान की तबीयत में। इस सुकून की सबसे बड़ी अलामत पता है क्या है, कि सुबह आप खामोश होते हैं। जो इंसान सुकून में नहीं होता ना, वो बोलता बहुत है, और जो सुकून में होता है वो क्या होता है, कम बोलता है। बोलो ना, अभी तो बोलने का टाइम है। ये साबित कर रहे हैं कि हम सुकून में हैं। देखो सुबह सुबह फ्रेश होता है ना जहन, तो फजर की नमाज में जाती है। देखिए नमाजी चुपचाप बैठे हुए हैं यार, इनकी भी एक आंख उठ जाती है। नेहा बड़ी ट्राई करती है ना, बड़ी एक आंख उठाने उठाना नहीं आता, करना ही वो ट्राई करना, मेरी उठ जाती है। तो इनकी उठ जाती है, चलाक होते हैं ना उनके, उठ जाती है। मतलब जो चलाक होता है उसकी आंख ऐसे उठती है। तो मुफ्ती तारिक मसूद जी चलाक है, मतलब जो क्लेवर है, जो समझदार है, जैसे भोले वाले मेरी तरह उनके उठते हैं। अपने आप को भोली वाली बोलती है, बड़ा ज्यादा भोली वाली बोलती है ना। व्लॉग्स आएंगे ना जब हमारे, फिर दिखाऊंगा मैं कितनी भोली है ये व्लॉग्स में। ये साबित कर रहे हैं कि हम सुकून में हैं। देखो सुबह सुबह फ्रेश होता है ना जहन, तो फजर की नमाज में आप आके देखें नमाजी चुपचाप बैठे हुए होंगे, तमीज से हर आदमी मुंह नीचे करके बैठा हुआ होगा आराम से। इमाम अगर दो मिनट लेट भी हो जाए, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, तकलीफ नहीं होती किसी को, आ जाएगा भाई, को भागा थोड़ी जा रहा है। लेकिन जहर असर में देखें आप, एक गहमा गहमी, कोई उधर देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, कोई घड़ी को देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, वजूखाने में इमाम कहाँ गया भाई। घरों में भी आप देखें, सुबह सुबह उठ के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, माएँ उनको नाश्ते करा रही होती हैं, हल्की फुल्की बात होती है, बेटा ये ले आओ, ये कर लो, वो इस तरह, बस जो ज़रूरत की बात टू द पॉइंट, वो खामोश होता है इंसान। सुबह उठें आप, मुंह धोएं, चाय वाय पिए या नाश्ता करें, उसके बाद कोई आके बातें करना शुरू कर दे, इंसान को गुस्सा आता है। अबे चुप करके बैठो आराम से यार, सुबह सुबह के टाइम पे क्या लगाई हुई है, कहते हैं ना, इसलिए कि दिमाग में क्या होता है, सुकून। तो ये जो इंसान है ना, ये जितना सुकून में होगा उतना खामोश होगा। लोग उल्टा समझते हैं कि जितना बोलोगे उतना सुकून मिलेगा, ऐसा नहीं है। बोलना बेसुकूनी की अलामत है और बेवकूफ़ी की भी अलामत है। सही बात है। बच्चे ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि बेवकूफ़ होते हैं, हर वक्त बोलते रहेंगे कि नहीं बोलते रहेंगे, अबू ये क्या है, अबू ये क्यों, मैं क्यों 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 करते रहेंगे, मैं क्या पालूँ, मैं क्या करूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब थोड़े बड़े होते हैं तो चुप करके आराम से कोने में बैठे रहते हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की महफिल में जब हम पहली मर्तबा गए, हजरत की आधा घंटा महफिल होती थी, तो हम जब जाके बैठे हैं तो वो, हमारा ख्याल था आते ही बातें करना शुरू कर देंगे, वो आधा घंटा खामोश बैठे रहे, चुप बिल्कुल। हम कॉलेज से निकल के गए थे, हमने ये माहौल कभी देखा ही नहीं था, हम भी जाके चुप कर गए, हमें बोलते हुए अब डर लग रहा है, हम भी चुप कर गए, तमीज़ से बैठ गए वहाँ, आधा घंटा वो चुप बैठे रहे, थोड़ा दाएँ देखा बाएँ देखा, फिर अपने कोई तहरीर थी उनके हाथ में थोड़ी सी, उस पर नज़र की, फिर चुप, फिर एक किसी को देख के थोड़ा सा मुस्कुराए, हमने कहा अब बोलेंगे कुछ, बस मुस्कुराने पे इक्तफा किया, भाई ये मिस कॉल है फिलहाल, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। ये खामोश पैगाम था, पता नहीं क्या पैगाम दिया उन्होंने। आधे घंटे के बाद वापस चले गए, हमने कहा ये कैसी महफिल है भाई।
लेकिन अजीब बात यह कि सुकून हमें इतना मिला शायद जिंदगी में कभी ना मिला हो। ऐसा सुकून मिला, अरे ये क्या है भाई, ऐसी खामोश जैसे सकीनत आसमान से उतर रही है। मेरे बड़े भाई एक दफ़ा आए हमारे यहाँ मदरसे में, सब तलबा ना चुपचाप बैठे हुए मुताला कर रहे थे अपना, तो वो कई घंटे हमारे मदरसे में रहे। तो जब वो जाने लगे कहने लगे, अल्लाह की कसम ऐसा सुकून जिंदगी में कभी भी नहीं मिला जो यहाँ के माहौल में है। चुपचाप सब बैठे हुए अपने काम से काम, लेकिन आप मुख्तलिफ इदारों में जाके देखो अपने काम के अलावा दुनिया का हर काम आदमी कर रहा होता है। एक मोबाइल की दुकान में मैं गया ना, मैंने उससे कहा यार ये मोबाइल ज़रा ख़राब हो गया इसको ठीक कर दो, तो वो ठीक करने लगा, तो एक दूसरा आके झांकने लगा ना क्या कर रहा है ये। उन्हीं के मुलाजिम में से एक दूसरा झांकने लगा ये कर क्या रहा है, तो जो सेठ था ना उसने उस दूसरे को डांट लगाई कि तू उसके काम में टांग क्यों उड़ा रहे है, तेरा काम है मोबाइल सेल परचेज का, तेरा काम है, उसका काम है ठीक करना, तो तू उधर झांक के क्यों दे रहा है। उसको ये डर था कि ये उससे काम तो नहीं सीख रहा कहीं ठीक। तो ये भी बेसुकूनी की अलामत है ना। तो बच्चे बहुत बोलते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, हर वक्त बोलते चढ़ चढ़ पड़ पड़ करते रहते हैं बैठ, वो बच्चों पे तो सूट करता है, बड़ों पे सूट नहीं करता। दूसरी बात ये कि मर्द ज़्यादा बोलते हैं या ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं, हैं भाई ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं माजरत के साथ। तो ये ख़ुद ख़वातीन की इस बात की अलामत है कि मर्दों से उनमें अकल थोड़ी ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी सी कम होती है। वो मानती नहीं है ख़वातीन, लेकिन ख़वातीन को दलील से ये बात समझानी हो ना तो उनको ये समझाया करें कि बच्चों में अकल ज़्यादा होती है या बड़ों में, तो फौरन वो कहेंगी बच्चों में अकल कम और बड़ों में ज़्यादा। फिर उनको ये कहा करें कि बच्चे ज़्यादा बोलते हैं या बड़े, तो वो कहेंगी बच्चे ज़्यादा बोलते हैं। तो आप उनको बताएं कि इससे पता चलता है कि जिनमें अकल कम होती है वो ज़्यादा बोलते हैं, यहाँ तक वो आपसे इत्तेफाक करेंगे बिल्कुल ठीक। फिर आप उनसे कहें कि अच्छा किसी महफिल में मर्द बैठे हुए हों और किसी महफिल में ख़वातीन, तो शोर शराबे की आवाज़ ज़्यादा कहाँ से आएगी। हम तो बचपन में शादियों में जाते थे ना, तो पहले तो मिक्स गैदरिंग का माहौल नहीं था, अब तो मिक्स ही गैदरिंग हो गई है, तो जनाना अलग होता था मर्दाना अलग। तो हम जब मर्दों के डिपार्टमेंट में घुसते थे छोटे बच्चे, वहाँ चुपचाप थोड़ी बहुत बात, खवातीन के डिपार्टमेंट में जाते थे वो चप चप अच्छा तुमने कहाँ से खरीदा, मैंने वहाँ से खरीदा, अल्लाह तुम्हें तुम्हें बटन मार के सस्ता मिलता है, वहाँ से महंगा मिलता है, तुम्हारे यहाँ क्या कर रहे हो, देखो उसको देखो उसको देखिए क्या कर रहा है, इतनी स्पीड से 100% सही बात बातें होती हैं एक शोर। तो उनको ये समझाएं, ये अपनी बीवी को समझाएं घर जाके ठीक है ना, तो उसको ये बताएं कि कौन ज़्यादा बोलता है। तो वो कहेंगी कि भाई ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं, तो कहो इसका मतलब क्या है कि मर्दों में अकल ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन वो इससे इत्तेफाक करेगी नहीं, वो इससे इत्तेफाक करेगी नहीं। तो फिर आपने, और फिर आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे अगर आपने इत्तेफाक कर लिया, तो फिर आपने ये कहना है कि ये तुम्हारे अलावा औरतों की बात हो रही है। घरवाली से क्या कहना है कि ये जो मैं उसूल और ज़ाब्ता बयान कर रहा हूँ ये तुम्हारे अलावा के बारे में बयान कर रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम दुनिया में सबसे ज़हीन हो, नारे तकबीर लगाएं पर ठीक है ना। तो वाकई ये कायदा कुल्लिया नहीं है, सारी एक जैसे नहीं होती जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा। हज़रत आयशा भी तो थी ना, किस कदर ज़हीन थी। अच्छा जो जल्दी जल्दी स्पीड में बोलते हैं ये भी इसकी अलामत होती है, इनमें अकल थोड़ी कम है। जो आराम आराम से बात करते हैं ना संजीदगी के साथ ठहर ठहर के, ये अकल के कामिल होने की अलामत है। तो अब बताओ बातों में स्पीड किसकी तेज़ होती है। लेकिन हजरत आयशा की बातें बहुत ठहर ठहर के होती थी, बल्कि बाद साहबा को आपने डांट लगाई है। एक आए साहबी वो जल्दी जल्दी कुछ पूछने लगे, तो अम्मी आयशा ने डांट लगाई कि इतनी जल्दी जल्दी बात क्यों कर रहे हो। फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ठहर ठहर के बात किया करते। तो इसलिए सारी ख़वातीन नहीं होती, बहुत सी ज़हीन भी होती हैं। और ये जो आज हमने सूरत पढ़ी है ना इसमें मलका सबा का भी तज़किरा है, तो मलका सबा बड़ी ज़हीन थी, उसका मैं अभी मुख्तसर वाक़ आगे चल के बयान करता हूँ। तो कहाँ से बात चल रही थी, अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे जो, हाँ
रात के वक्त अल्लाह हम पर नींद मुसल्लत कर देते हैं, हमारे दिमाग का कनेक्शन मुनक़ते, हम सुबह उठते हैं बिल्कुल फ्रेश और बातचीत का किसी से दिल नहीं करता। ये दिल ना करना, और एक तो दिल बाज़ दफ़ा टेंशन की वजह से भी नहीं करता, वो अलग चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा सुकून की वजह से इंसान क्या चाहता है, खामोशी। तो ये खामोशी में उसको इसकी अलामत है, बहुत फ्रेश है ये इस वक्त, इसका जहन बहुत फ्रेश है। तो खामोशी खामोशी और खामोशी है कि चुप रहो बस आप लोग, है ना। और कहा कि लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है ना, लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, लड़के बहुत कम बोलते हैं। सो सही बोला उन्होंने, एंड मज़ा है इनके बयान को सुन के, है ना। इतना फनी मुझे नहीं, मतलब नहीं था जितने इनके ये बताते हैं कोई चीज़ एक फन के साथ, है ना, थोड़ी स्माइल करके साथ, कि मज़ा आता है सुनने वाले को, मतलब ऐसा सीधा कोई पॉइंट आउट ना हो इस चीज़ से। सो बढ़िया लगा बयान, और इनके बयान और भी सुनते रहेंगे, बस ये कि आप कमेंट करके बताते जाओ, सो देट हम उन पर और ज़्यादा रिएक्शन करते रहें, जैसा भी आपका कॉन्टैक्ट है, जो भी आप चाहते हो हम देखते जाएंगे। और बस आप ये कि प्यार बनाए रखना, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार करते रहना। सो गाइस ये था रिएक्शन, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।